आजमगढ़ में दशहरे के पावन पर्व पर जहां एक तरफ पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करके भजन पूजन आरती इत्यादि कार्यक्रम हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रामलीला भी दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। ऐसे में आजमगढ़ जिले के SP ट्रैफिक मोहम्मद तारी काफी एक्टिव दिखाई दिए और उन्होंने बताया कि किस तरह से दशहरे के मौके पर लगने वाले मेले को किस तरह से शांतिपूर्ण व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया जाएगा। नवरात्रि के पर्व पर मां दुर्गा के जगह जगह पंडालों की शोभा देखने लायक है। और मैं हूं आपके साथ मनोज दुबे और इस समय जो है मैं यहां पर SP साहब के जो है ऑफिस में हूं और यहां जो है दशहरे को लेकर जैसे काफ़ी भीड़ भाड़ होने वाली है तो उसमें प्रशासन के द्वारा क्या व्यवस्था बनाई गई है तो आइए पता करते हैं सर से। अवगत हो गए कि नवमी और जो विजयदशमी पड़ेगी जी 7 और 8 अक्टूबर को जी, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए जिन स्थानों पर बड़े पंडाल हैं या जहाँ पे ऐसी व्यवस्था है कि भीड़ भाड़ ज़्यादा है जी, जैसे आप मान लो कि पहाड़पुर है या शंकर दिरा है, तो वहाँ से दोपहिया या चारपहिया गाड़ियाँ भी अंदर नहीं जाएंगी तकिया या चौक की तरफ जी। इसी तरह से अगर सिधारी पे कहीं उनका मेला लगा है या कुछ इस तरह से, तो वहाँ भी ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है और चारपहिया गाड़ियाँ नहीं जाएंगी जी। ज़्यादा भीड़ होगी तो दोपहिया पे भी रोक लगाई जाएगी जी। उसके लिए सिविल पुलिस के कर्मचारी लगे हैं तथा कुछ स्थानों पे ट्रैफिक पुलिस के भी हैं जी। व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं कि जो भी पब्लिक है उसको समस्या ना आए, जो भी दर्शन करने या जो उनको मेला घूमना है उनको कोई असुविधा ना हो जी। सर एक आखिरी सवाल है, दशहरे के इस शुभ अवसर पर आप देशवासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? ये बहुत ही जानते हैं आप ऐतिहासिक पर्व है और इसको जिसे कहें एक सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखते हुए और खुशी से मनाना चाहिए। फिर इसके बाद दिवाली आती है जी, उसको भी अपना खुशी और एक उसके लिए हम लोग बधाई भी देते हैं कि सहयोग करके इसको संपन्न कराएं शांतिपूर्वक। धन्यवाद।